एक बार तीन दोस्त रमेश, सुरेश और जयदेव जंगल घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। सभी अपना अपना सामान बांधते हैं और जीप में रखते हैं और चल पड़ते हैं जंगल की सैर पर। हम दोस्त हर जगह घूमे, पर जंगल में घूमने का तो मजा ही कुछ और है। नदी किनारे टेंट लगाएंगे और रात में ठंडी ठंडी हवा और ऊपर आसमान में तारे की चादर। अब मुझसे और शब्द नहीं हो रहा। यार, तुमने बिल्कुल सही कहा। हरे भरे पेड़ पौधे, ताजी ताजी हवा, स्वच्छ वातावरण, ये सब शहर में कहा, इसीलिए तो जा रहे हैं वहाँ। पर ये भी ध्यान रखना, वो जंगल है जंगल, वहाँ शेर चीता जैसे खतरनाक जानवर भी होते हैं, उन सब से बचकर रहना सब। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने पहले से ही अपने चाचा की बंदूक अपने साथ रख ली है। अगर कोई जानवर हमारे नजदीक आएगा तो मैं उसे उस बंदूक से मार दूंगा। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम ये सही नहीं किए थे। जयदेव की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उनकी जीप के आगे एक हाथनी आकर बैठ जाती है। अब क्या करे, इस जीप को आगे कैसे बढ़ाऊं? यारो कुछ करो और इस हाथनी को जीप के आगे से हटाओ। अगर इस हाथनी ने हमारी जीप पर हमला कर दी तो हम सब इस हाथी में पड़े होंगे। तभी सुरेश अपने बैग से बंदूक निकल लेता है। नहीं सुरेश, बंदूक मत चलाना। जब तक कोई जानवर हम पर हमला ना करे तब तक बंदूक नहीं। और उसे ध्यान से देखो, उसके पैर में चोट लगी है, शायद किसी शिकारी का शिकार हुआ है वो। तभी जयदेव अपने बैग से दवाइयों का डब्बा निकलता है और उसमें से मलखम निकलकर हथनी के पास जाकर उसके पैर में लगा देता है और पट्टी भी बांध देता है। उसके बाद हथनी चुपचाप वहां से उठकर जंगल में चली जाती है। यार, तुमने तो बिल्कुल भी नहीं डरा उस हाथनी से, तुम तो बहुत बहादुर निकले। मैं बोला था ना, जब तक कोई जानवर हम पर हमला ना करे तब तक बंदूक नहीं चलाना। वो हाथी हमसे मदद मांग रहा था, सो मैंने कर दी। उसके बाद रमेश जीप दौड़ता हुआ थोड़ा आगे जाता ही है कि उन्हें आगे नदी का पुल टूटा हुआ दिखाई देता है। वो देखो, नदी का पुल टूटा हुआ है, हम आगे नहीं जा सकते। रमेश, तुम जीप को बीच जंगल से निकालो, हमें अब वहीं से जाना होगा। तीनों दोस्त जंगलों के बीच होते हुए नदी किनारे तक पहुंच जाते हैं। वो सब नदी किनारे टेंट लगाते हैं और टेंट के बाहर थोड़ी आग जलाते हैं और सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे। तभी वहां पर एक जंगली भालू आ जाता है। भालू, ये भालू तो इधर ही देख रहा है घूर घूर कर। अब ये भालू हमें खा जाएगा, मुझे अभी नहीं मरना। बचाओ, कोई बचाइए हमें। मैं भी पागल हूँ, इस जंगल में किसे बुला रहा हूँ मदद के लिए? बिल्कुल चुप, अगर जरा भी हिला तो वो भालू हमें जरूर खा जाएगा। कोई भी नहीं हिलेगा, ऐसे लेटे रहो जैसे हम मरे पड़े हो। भालू उनके बहुत नजदीक आ चुका था। भालू उनके नजदीक आते ही उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वो ही हाथनी आ जाता है और भालू को अपने सूंड से उठाकर पटक देती है। भालू हाथनी को काट काकर और वहाँ से भाग जाता है। सुरेश,
तुमने अपनी बंदूक क्यों नहीं निकाली थी उस वक्त जब बालू हमला करने आया था? वैसे तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, जब बालू आया था तब क्या हो गया तुम्हें? मैं बहुत डर गया था, इसीलिए डर के मारे बंदूक का ध्यान ही नहीं आया। खैर जाने दो, अब उधर देखो, ये वही हाथनी है जिसके मैंने चोट पर मलहम लगाई थी। शायद इसीलिए उसने हमारी मदद की। हमारी जान बचाने के चक्कर में उसके कितनी चोट आई है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ तुम्हारी चोट। रात बहुत हो चुकी थी। रमेश और सुरेश अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं और वहाँ जयदेव हथनी के पास ही बैठकर उस पर पट्टी बांध देता है और उसे बड़े प्यार से सहलता रहता है। जयदेव की अचानक आंख लग जाती है तो वो वही हथनी के पेट पर सिर रखकर सो जाता है और हथनी भी सो जाती है। जब सुबह जयदेव की आंखें खुलती है तो वो उठाते ही शोर मचाने लगता है। रमेश, सुरेश, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? ऐसा क्या बताना चाहते हो जो तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? जब मैंने इसके पेट पर अपना सिर रखकर सो रहा था तब मैंने इसके पेट में हलचल महसूस की उसके बच्चे की। ये हाथनी गर्भवती है यारो, इसने हमारी जान बचाई है। जब तक ये अपने बच्चे की जन्म नहीं दे देती है हम यही रहेंगे, इसकी देख रोक करेंगे क्योंकि इसे बहुत चोट आई है। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस हथनी को बहुत सेवा की। उसके खाने पीने के लिए वो वही लेकर आते थे। एक दिन उस हथनी ने बच्चे को जन्म दिया और हथनी सुंड हिलाकर उन सभी का शुक्रिया करती है और अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली जाती है। और ये तीनों दोस्त भी बड़ी खुशी से अपने घर वापस लौट आते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ा आदमी कार में ऑफिस से अपने घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक शराबी आदमी बड़ी तेजी से कार चलता हुआ कुत्ते के ऊपर से निकल जाता है, जिसकी वजह से उस कुत्ते को बहुत चोट आती है और वह वही सड़क पर चिल्लाता हुआ गिर जाता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। तभी वह बूढ़ी आदमी जल्दी से अपनी कार से उतरकर उस कुत्ते के पास जाता है। कैसा इंसान है जो देखकर भी गाड़ी नहीं चलाते? इन्हें ये भी दिखाई नहीं देता कि सड़क पर कोई है या नहीं। फिर वह बूढ़ा आदमी उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने लगता है। तभी उस बूढ़े आदमी ने देखा कि उस कुत्ते के पैर बहुत चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है। हे भगवान, इस कुत्ते के पैर में तो बहुत चोट लगी है और इसका पैर भी तो बारी तरह कुचल गया है। नाश हो ऐसे इंसानों का जो गाड़ी भी देखकर नहीं चलाते। उस बूढ़े आदमी को उस बेचारे कुत्ते को देखकर बड़ी दया आ रही थी। वह उस कुत्ते को इस हालत में भी नहीं छोड़ सकता था। वह बूढ़ा आदमी कुत्ते को अपनी कार में अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उस कुत्ते के पैर की हालत देखकर उसका एक पैर काट देते हैं। हे भगवान, इस बेचारे कुत्ते का तो एक पैर ही काट गया, इसे तो ऐसे चलने में भी बहुत मुश्किल होगी। मैं ऐसी हालत में इसे सड़क पर छोड़ भी तो नहीं सकता। बूढ़े आदमी को उस कुत्ते पर बहुत दया आ रही थी और फिर वह उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसका बड़े अच्छे से ध्यान रखने लगता है। थोड़े ही दिनों में कुत्ते जल्दी ही ठीक हो जाता है, पर एक पैर ना होने की वजह से वह ठीक से चल नहीं पाता था। बूढ़ा आदमी उसे प्यार से मोती कहता था।
एक दिन की बात है, बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते मोती को समझा रहा था। मोती, अब तुम ठीक हो गए हो। मुझे भी काफी दिन हुए छुट्टी लिए हुए, अब मुझे भी ऑफिस जाना होगा। अगले ही दिन से वह बूढ़ा आदमी ऑफिस जाने के लिए निकलता है। मोती, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर को ध्यान रखना। कुत्ता बो बो करके उसे हाँ करता है। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी ऑफिस चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हुए भी उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जब से उसकी जिंदगी में मोती आया तो वह उसे ही अपना सब कुछ समझने लगा था। और शाम को जब बूढ़ा आदमी ऑफिस से घर आता है तो मोती बो बो करके अपनी पोछ हिलाता हुआ उसके पैरों के चारों तरफ घूमने लगता है। मोती, हाँ हाँ, मैं सब समझता हूँ। आज सारा दिन मैं तुझसे दूर रहा हूँ ना, इसीलिए तुझे मेरी याद आ रही होगी। मोती उसके पैर चाटने लगता है जैसे वह उसे हाँ कर रहा हो। बूढ़ा आदमी मोती को खाना खिलाकर खुद भी खाकर सो जाता है। आधी रात का समय था, तभी एक चोर उनके घर में घुस आता है और उनकी अलमारी से पैसे चुराने लगते हैं। तभी बूढ़े आदमी की आंख खुल जाती है और वह उन्हें पकड़ने लगता है। कौन हो तुम और तुम मेरे घर में क्या आकर रहे हो? तभी चोर कहता है कि पकड़ साले को और उसका मुंह बंद करना, नहीं तो यहाँ शोर मचाकर हमें पकड़वा देगा। फिर दोनों चोर बूढ़े आदमी को पकड़कर उसका मुंह में एक कपड़े से बांधने लगते हैं। तभी बूढ़ा आदमी चोरों को जोर से धक्का मारता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। धक्का मारता है, तू तो अब गया। चोर उस बूढ़े आदमी को चाकू से जैसे ही मारने वाले होते हैं, तो मोती भी शोर की आवाज से जाग जाता है। और तभी चोर बूढ़े आदमी पर जैसे ही चाकू से मारने वाले होते हैं, तो मोती चोरों के ऊपर हमला कर देता है। ये कुत्ता तो पकड़वा देगा, जल्दी से इसका कुछ करो। मोती के भौंकने की आवाज से चोर डर जाते हैं। इतने में ही बूढ़ा आदमी जल्दी से फोन करके पुलिस को बुला लेता है और चोरों को पकड़वा देता है, जिससे आज उस लंगड़े कुत्ते की वजह से उसका पैसा और उसकी जान बच पाई।